आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आपको बता दें कि टाइगर 3 की शूटिंग के लिए सलमान खान और कैटरीना कैफ पिछले दिनों तुर्की पहुंचे थे। कुछ एक्शन सीन्स और एक रोमांटिक सॉन्ग पूरा करने के बाद अब टाइगर 3 की पूरी टीम तुर्की से ऑस्ट्रिया जाने को तैयार है। तो वहीं इस बीच शूटिंग से समय निकालकर सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। तुर्की में सनराइज का मजा लेते सलमान की इस तस्वीर को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। दरअसल ब्लैक हुडी पहने सलमान खान इस तस्वीर से टाइगर जिंदा है की याद दिला रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि तुर्की में फिल्म की शूटिंग शेड्यूल से 2 दिनों पहले ही खत्म हो चुकी है। वहां सरकार की तरफ से बायो बबल में शूटिंग करने के बड़े सख्त नियम कानून थे। बता दें कि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का जिम्मा अनय गोस्वामी को दिया गया है। तो वहीं तुर्की में एक्शन कोरियोग्राफी के लिए साउथ अफ्रीकन एक्शन डायरेक्टर्स को भी बोर्ड पर लाया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो जिस तरह टाइगर जिंदा है में सलमान कैटरीना का मिशन खाड़ी देशों में था, टाइगर 3 में दोनों यूरोपीय देशों में मिशन पूरा करते नजर आएंगे। बता दें कि टाइगर 3 की ओवरसीज शूटिंग रूस से शुरू की गई, फिर तुर्की में कुछ एक्शन सीन्स और एक गाना फिल्माया गया। वहीं अब पूरी टीम ऑस्ट्रिया जाने वाली है। ऑस्ट्रिया से पूरी टीम वापस भारत की ओर रुख करेगी। ऐसे में इस फिल्म को देखने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।